देख रहे हैं गया 24/7। गया के अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी आठ राजीव कुमार ने शुक्रवार को बहुचर्चित पटवा समाज की बेटी अंजना हत्याकांड में न्यायिक हिरासत में बंद पीड़ित पिता तुराज पटवा तथा लीला पटवा एवं अंजना की मां आशा देवी और बहन का नार्को टेस्ट कराने की इजाजत गया पुलिस को नहीं दी है। पुलिस की प्रार्थना पर अदालत ने उन सभी चारों को नार्को टेस्ट को लेकर नोटिस जारी किया था। आपको बता दें कि बुनियादगंज थाना प्रभारी सहकांड के अनुसंधानकर्ता मनोज कुमार ने इन चारों का नार्को टेस्ट कराने के लिए शुक्रवार को अदालत में एपीओ बलवंत कुमार के माध्यम से इजाजत देने की मांग की थी, जिसका विरोध अभियुक्तों और साक्षी के अधिवक्ता परवेज आलम ने किया। अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद निर्णय सुनाया है। बचाव पक्ष के अधिवक्ता परवेज आलम ने बताया है कि अदालत ने अपने आदेश में कहा है कि जबरन किसी को उसकी मर्जी के खिलाफ नार्को टेस्ट नहीं कराया जा सकता। आपको बता दें कि अदालत ने गया पुलिस के आवेदन को खारिज कर दिया है। आइए आपको सुनाते हैं कोर्ट के फैसले के बाद क्या कुछ कहा अंजना की मां बहन और उनके वकील ने। क्या आज वो दोनों मां और बेटी न्यायालय में उपस्थित हुई, उनकी ओर से मैं उपस्थित हुआ और कहा कि इनकी सहमति के बिना कोई नार्को टेस्ट नहीं हो सकता। इस बात को न्यायालय ने कबूल करते हुए उन लोगों का लिखित जो है वो उन लोगों से ओरल बयान लिया और लिखित हस्ताक्षर लिया कि हम लोग की सहमति नहीं है। इसके अलावा दोनों अभियुक्त जो थे उन लोगों को भी न्यायालय में लाया गया, उन लोगों ने भी अपनी ओर से लिख करके दिया कि हमारी सहमति नार्को टेस्ट की नहीं है। चाचा अभी जो लड़की जिसको नोटिस किया गया था, जो उसकी बहन है वो भी नाबालिग है, और नाबालिग को नार्को के लिए नोटिस करना भी गलत है, क्या इस पर भी चर्चा? बिल्कुल, इस पर तो कह दिया कि नाबालिग है। न्यायालय ने पहले तो उसकी उम्र को का पता नहीं था कि जब नोटिस हुई थी उसकी उम्र क्या है। जब न्यायालय में उसको प्रस्तुत किया गया और सरकार की ओर से वकील उसको इंट्रोगेट करने लगे, तब न्यायालय ने सीधे सीधे कह दिया ये माइनर है, इसको क्यों आप इंट्रोगेट करके परेशान कर, और सभी को छोड़ दिया न्यायालय कि अपने अपने घर जाइए, नार्को टेस्ट नहीं है। इसका मतलब ये पुलिस इस मामले में भी बैकफुट पे आई है, पुलिस की जो कार्रवाई थी ये तो इन्वेस्टिगेशन कोर्ट ने नकार उसका। इन्वेस्टिगेशन के बारे में कुछ नहीं कर तो क्या टेस्ट करवाना है, किस लिए आए हो? नहीं करवाना है। क्यों नहीं करवाना है, क्या दिक्कत है? क्योंकि हमको अपने मानसिक संतुलन ठीक नहीं रहता है। क्या चाहते हो, क्या हो इसमें? हम चाहते हैं कि नार्को टेस्ट है नहीं हो। तो फिलहाल अदालत के फैसले के बाद अंजना हत्याकांड में गया पुलिस को बड़ा झटका लगा है। 24/7 इतना ही। अगर आपके आसपास भी है कोई खबर तो 24/7 के व्हाट्सएप नंबर 9504827263 पर आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। 24/7 की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।